नमस्कार। बोकारो इस्पात मजदूर मोर्चा ने नया मोड़ बिरसा चौक पर संसद में केंद्रीय बजट पास किए जाने के खिलाफ बजट का पुतला किया दहन। संसद में केंद्रीय बजट पास किए जाने के विरोध में इस्पात मजदूर मोर्चा ने नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बजट का विरोध करते हुए इस्पात मजदूर मोर्चा के महामंत्री बीडी प्रसाद ने कहा कि यह बजट आम जनता विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी व बेरोजगार विरोधी बजट है। पब्लिक सेक्टर से जो कल कारखाने हैं उनका यह विरोध बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ कॉरपोरेट घराने को तथा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का बजट है, निजीकरण का बजट है, आम जनता का नहीं। पहले का बजट में आम जनता को टैक्स में कुछ छूट मिलता था, आज किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ भी रिबेट नहीं दिया गया है। इसलिए इस्पात मजदूर मोर्चा इसका खुलकर विरोध करती है और इस बजट के खिलाफ बजट का पुतला बनाकर पुतला दहन करती है। इस्पात मजदूर मोर्चा महामंत्री बीडी प्रसाद। आज जो केंद्रीय बजट आज संसद में पेश किया गया, इस बजट का विरोध में सीपीएम पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बोकारो जिला कमेटी की ओर से आज पुतला दहन किया गया बजट। और इसलिए बजट किया दहन किया गया, ये बजट जो है ये आम जनता विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है, नौजवानों रोजगार देने का ये विरोधी बजट है। और तो और यहाँ का जो पब्लिक सेक्टर है, सरकारी जो कल कारखाना है उसका ये विरोधी, उसका बेचने वाला ये बजट है। और बड़े कॉरपोरेट घराने, बड़े पूंजीपति, उनको इनको सिर्फ मुनाफा देने के लिए ये बजट पूरा निजीकरण का बजट है। ये पूरा बजट निजीकरण का बजट है, इसमें आम जनता का बजट कहीं भी नहीं है। पहले जो बजट से अपेक्षा रहता था, हमारा मजदूरों को टैक्स में रिबेट मिलेगा, एक नया पैसा का रिबेट, किसानों का रहता था, कृषि के क्षेत्र में खाद बीज पर उनको रिबेट मिलेगा, उस पर सब्सिडी मिलेगा, ये सब कहीं कुछ नहीं। सारे जगह पर रोजगारों, बेरोजगारों, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसलिए इसका कहीं भी नहीं। ये बजट पूरा का पूरा आम जनता, मजदूर, किसान, नौजवान विरोधी बजट है, इसलिए इसका हम लोग विरोध करते हैं। आने वाला दिन में इसका विरोध और भी करेंगे। पब्लिक सेक्टर को ही बेचने वाला विरोध है और सिर्फ निजीकरण का ये गुजरा। और इस तरह का बजट आना तो आम लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये जो कोरोना काल का बजट जो है ये आम जनता को पूरा का पूरा पूरी तरह से प्रभावित करेगा। ये इस बजट में कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ ख्याल रखा गया तो कैसे बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को उसको मदद किया जाए, उनको कैसे मदद किया जाए, उनके लिए क्या पैकेज दिया जाए, लेकिन इसमें आम जनता के लिए कोई पैकेज नहीं। कोरोना से तहस नहस हो गया पूरा अर्थव्यवस्था, किसान का चौपट हुआ, उद्योग धंधा का चौपट हुआ, मजदूर रिस्क लेकर जिंदगी पर खेल करके उद्योग को चलाने में काम किया, लेकिन उसके लिए एक नया पैसा का इसमें कोई उसमें व्यवस्था, कोई पैकेज नहीं मजदूर, ना तो किसानों के लिए है, ना तो आम जनता गरीबों के लिए है।